Jackhammer! Cover by Goldberg! Shoulders down! He did it! Hello friends, welcome to our channel Wrestling Talk. तो गाइस ये सब जानते हैं कि WWE एक प्री डिटरमाइंड शो है। WWE मैचेस में कौन सा सुपरस्टार जीतेगा ये WWE डिसाइड करती है, और कई बार ऐसे देखने को मिला है जब WWE ने गलत सुपरस्टार को मैच जितवा दिया। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मैचेस के बारे में बात करने वाले हैं जहां WWE ने गलत सुपरस्टार को विनर बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि WWE इससे जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गोल्डबर्ग और रैंडी ऑर्टन। द फीन्ड ब्रे वायट WWE के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। उनकी शुरुआत काफी डोमिनेटिंग तरीके से हुई थी जहां उन्होंने सेथ रॉलिंस के खिलाफ मैच में 11 कर्ब स्टॉम्प से किकआउट किया था, और उस मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ही कोई सुपरस्टार है जो उन्हें हरा पाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली WWE ने 2020 के सुपर शोडाउन पेपरव्यू में गोल्डबर्ग को चुना फीन्ड को हराने के लिए, जिन्होंने उनके मोमेंटम को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया जो वो इतने महीने से डोमिनेट करते आ रहे थे। और ऐसा ही गलत डिसीजन हमें WWE की तरफ से रेसलमेनिया 37 में भी देखने को मिला था, जहां रैंडी ऑर्टन ने फीन्ड को हराया था, जिसने पूरी तरीके से फीन्ड के कैरेक्टर को बडिट कर दिया। क्योंकि उस राइवलरी के दौरान WWE ने रैंडी ऑर्टन को काफी वीक दिखाया था, और इसके बावजूद वो रेसलमेनिया में जीत गए, जिस वजह से रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया 37 में जीतवाना WWE का एक बेकार डिसीजन था। और इन दोनों मैच में शॉकिंग बात यह है कि जिसने 11 कर्ब स्टॉम्प से किकआउट किया वो सिर्फ एक मूव से हार गया, जो फैंस को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि WWE ने ऐसा क्यों किया। नंबर 2, ट्रिपल एच। 2014 के सर्वाइवर सीरीज में स्टिंग ने अपना WWE डेब्यू किया था, जहां उन्होंने डॉल्फ ज़िगलर की मदद की थी अथॉरिटी को हराने में, जिसके बाद रेसलमेनिया 31 में हमें स्टिंग वर्सेस ट्रिपल एच का मैच देखने को मिला था। हालांकि फैंस स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर का ड्रीम मैच देखना चाहते थे जो उन्हें देखने को नहीं मिला, बट एटलीस्ट वो चाहते थे कि स्टिंग वो मैच जीते। लेकिन WWE ने सरप्राइजिंगली ट्रिपल एच को उस मैच का विनर बनाया, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो स्टिंग का WWE में पहला बड़ा मैच था और उसी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और WWE में स्टिंग की बुकिंग देखकर ये पता चलता है कि 2001 में WCW के बंद होने के बाद स्टिंग WWE में क्यों नहीं गए। नंबर 3, क्रिस जेरिको। AJ स्टाइल्स ने जब 2016 में WWE में डेब्यू किया था तब वो काफी सरप्राइजिंग मोमेंट था, क्योंकि वो ऑलरेडी WWE के बाहर काफी पॉपुलर सुपरस्टार थे। और उसी साल रेसलमेनिया 32 में वो क्रिस जेरिको का 1-on-1 मैच में सामना कर रहे थे, जो कि उनका पहला रेसलमेनिया मैच था। लेकिन उस मैच में हमें WWE की तरफ से बैड बुकिंग देखने को मिली जब उन्होंने AJ स्टाइल्स की बजाय क्रिस जेरिको को उस मैच का विनर बनाया, जो बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन नहीं था क्योंकि जेरिको ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार थे, उन्हें वो मैच जीतने की जरूरत नहीं थी। नंबर 4, जॉन सीना। UFC में सक्सेसफुल करियर होने के बाद 2012 में ब्रॉक लेसनर ने WWE में रिटर्न किया, जिसके बाद उनका पहला मैच फेस ऑफ दी कंपनी जॉन सीना के खिलाफ था एक्सट्रीम रूल्स पेपरव्यू में। सभी को लगा था कि वो मैच ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं, क्योंकि WWE में ही नहीं बल्कि WWE के बाहर भी ब्रॉक लेसनर ने काफी नाम बनाया था, और इतने बड़े सुपरस्टार को WWE उनके पहले मैच में नहीं हरवाएगी। लेकिन WWE ने काफी शॉकिंगली जॉन सीना को मैच जीतवाया, जो बिल्कुल भी एक अच्छा डिसीजन नहीं था। नंबर 5, माइकल कोल। रेसलमेनिया 27 में जेरी द किंग लॉलर एक 1-on-1 मैच में माइकल कोल का सामना कर रहे थे, जो जेरी द किंग लॉलर का पहला और आखिरी रेसलमेनिया मैच था। हालांकि अगर हाल ही के कुछ रेसलमेनिया की बात करें तो मैच शायद वन ऑफ द वर्स्ट रेसलमेनिया मैच था, लेकिन इसके बावजूद एक WWE हॉल ऑफ फेमर जेरी द किंग लॉलर को उस इंसान से हराना जो एक रेसलर भी नहीं है काफी बेकार डिसीजन था, क्योंकि उस मैच को माइकल कोल ने जीता था, जो काफी डिसरिस्पेक्टिंग था एक लेजेंड के लिए। नंबर 6, शार्लेट फ्लेयर। रेसलमेनिया 34 के वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस में से एक था आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच, जहां रॉयल रंबल विनर अनडिफीटेड आस्का स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए शार्लेट फ्लेयर का सामना कर रही थी। और उस मैच के रिजल्ट ने सभी फैंस को शॉक कर दिया, क्योंकि उस मैच में शार्लेट फ्लेयर ने आस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक को खत्म किया था, जो कि WWE का काफी बेकार डिसीजन था, क्योंकि फैंस नहीं चाहते थे कि उस मैच में आस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक खत्म हो, और वो भी शार्लेट फ्लेयर के हाथों से तो बिल्कुल नहीं। और उस लॉस के बाद आस्का का करियर ग्राफ डाउन गया, क्योंकि उसके बाद कभी भी आस्का को डोमिनेंट तरीके से बुक नहीं किया गया। और उसी साल शार्लेट फ्लेयर के बाद उन्हें कार्मेला से भी हार का सामना करना पड़ा, जो उनके रेपुटेशन को डैमेज किया जो उन्होंने अपने NXT रन के दौरान बनाया था। नंबर 7, शेन मैकमैन। मिज अपने पूरे करियर में हील सुपरस्टार रहे हैं, ऐसे बहुत कम मौके हैं जब मिस फेस सुपरस्टार रहे हों, जिसमें से एक बार वो शेन मैकमैन के खिलाफ फ्यूड में रहे थे, जहां उस फ्यूड में मिस फेस सुपरस्टार और शेन मैकमैन हील सुपरस्टार थे।
और इनके बीच हमें काफ़ी पर्सनल राइवलरी देखने को मिली थी, जहां शेन मैकमैन ने मिस के डैड पर भी अटैक किया था और काफ़ी पर्सनल बातें कही थी, जिस वजह से फैंस मिस को सपोर्ट कर रहे थे। और जब रेसलमेनिया 35 में हमें मिस वर्सेस शेन मैकमैन का मैच देखने को मिला, तब फैंस चाहते थे कि मिस अपने डैड का बदला शेन मैकमैन से ले और वो मैच जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस मैच में WWE ने शेन मैकमैन को विनर बनाया। नंबर 8, ट्रिपल एच। रेसलमेनिया 19 में बुकर टी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल एच का सामना कर रहे थे, और इस राइवलरी के दौरान ट्रिपल एच ने कई कॉन्ट्रोवर्सियल वर्ड्स बुकर टी के खिलाफ कहे थे, जिस वजह से बुकर टी उस फ्यूड में फैन फेवरेट थे और फैंस चाहते थे कि रेसलमेनिया 19 में बुकर टी ट्रिपल एच को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने। हालांकि WWE का प्लान भी बुकर टी को वो मैच जितवाने का था, लेकिन एंड मौके पर WWE ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और ट्रिपल एच को मैच का विनर बनाया, और वो भी उस मैच में ट्रिपल एच ने बुकर टी को पिन करने में लगभग 22 सेकंड लगाए थे, जिसके बावजूद ट्रिपल एच वो मैच जीत जाते हैं, जिसने बुकर टी को बरेट कर दिया। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक के लिए थी। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि WWE से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।